हम जा रहे थे बेसिक स्टैंडर्ड 240 फ्रेम्स, यानी कि 10 सेकंड की एनिमेशंस कर देते हैं हम स्टार्ट। ऑब्वियसली 10 सेकंड की नहीं होगी, समहाउ एक एस्टिमेटेड टाइम लगेगा अगर हम क्रॉप कर लेंगे अपने टाइम को। फाइन, हमने स्टैंडर्ड एक सॉलिड लेयर ले ली थी, पूरे कॉम साइज की यूं ली थी कि हम उसको मैनिपुलेट कर सकें, ताकि हम समझ सकें कि एक बड़ी लेयर को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। समहाउ हम डिमेंशंस दे के भी ट्राई कर सकते हैं अपने पास एक शेप, इफ यू वांट सो स्केल करते हैं तो इनका रिलेशन कॉन्स्टेंट्स को ऑफ करते हैं, ताकि हम एक्स में थोड़ा और थिन कर सकें। और ऑब्वियस इफ वी वांट टू स्केल द वाई एक्सिस एज वेल, हमारे पास वो लाइन तो बन चुकी है, थोड़ी छोटी कर लेते हैं इनको, थोड़ी सी और थिन कर लेते हैं, जस्ट गोना लुक्स गुड। सेक्स, इन्हें एनिमेट करना था, वी विल डू। सबसे पहले हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, और हमने टेक्स्ट ले लिया एंड वी सेट रोटेशन। एक और टेक्स्ट ले लो या इन्हीं की कॉपी ले लो, कंट्रोल डी प्रेस करके, इट्स ऑल अप टू यू। हम कंट्रोल डी प्रेस करके कॉपी ले रहे हैं, हमने कहा बाय साइड। और हमने सबसे पहले रख लिया अपने पास टैक्स, इट डजंट मैटर वी आर एरर्स एक्चुअली। और हमने अपने दोनों टैक्स को अलग अलग प्रीकम्पोज कर दिया, ताकि हम जब मास्क करें तो मास्क एनिमेट ना हो, मास्क स्टैटिक रहे, और हमारा टैक्स जो है वो सिर्फ मास्क के अंदर एनिमेट हो रहा हो। वेल, फॉर दैट पार्ट हमने ऐसा कर लिया, रोटेशन को लिया। सबसे पहले हमने एक विंडो ड्रॉ कर ली जिसमें हमें जितना रोटेशन देखना है, आई मीन जितना टैक्स देखना है, और फिर उस प्रीकम्पोज के अंदर चले गए। और हमें यह समझना है कि ये वो प्लेस है, पैरामीटर है जहाँ पे वो कंटेंट दिखेगा। तो हमने अपने ईज के लिए पोजीशन एक्टिवेट की, पोजीशन की एनिमेशन एक्टिवेट की एंड वी सेट 30 फ्रेम्स। और हमने एक होल्ड की लगा दी, यानी कि ब्लैंक की फ्रेम, एज वी डेंट डन एनीथिंग इन बिटवीन दैम। और हमने ये सोचा था कि ये राइट से लेफ्ट पे आएंगे, तो हम फर्स्ट की को जाके मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं उनके पैरामीटर को, और इनको लेके जस्ट हमने यहाँ कर दिया, मीन वो राइट टू लेफ्ट आएंगे, एस वी वॉन्ट हेम टू कम फ्रॉम हेयर, राइट हेयर बिहाइंड द लाइन टू गन बी अप योर राइट हेयर। सो ये ऐसे होना शुरू हो गए, और हमने इनको भी लिया, और F9 यानी कि इजी हमने ऐसा कर लिया था, इनको ले लिया एंड वी सेड वी नीड हिम टू कम रियली फास्ट। एन प्रेस कर लेते हैं एंड ऑफ टाइम, 0 प्रेस करते हैं लाइक दिस वे। और हमने यही सेम काम अपने बाय साइड के साथ भी कर लिया, मींस दूसरे टैक्स के साथ। जितना हमें देखना है इनको, हम इनके अंदर गए पोजीशन, वी नीड टू जस्ट रिमाइंड और रिमेंबर द की फ्रेम्स, राइट। तो हमने पोजीशन लिया 30 फ्रेम्स, एक्टिवेट किया, और फर्स्ट की को मैनिपुलेट करना है। वो जो पहले रोटेशन थे वो राइट टू लेफ्ट आ रहे थे, बाई साइड लेफ्ट टू राइट आए थे, तो फर्स्ट की पे इनको लेफ्ट पे कर देंगे जितना हमें देखना हो। सो ये भी ऐसे हो जाएंगे, इनको भी लिया F9 इजी स्पीड ड्रैग एंड वी जस्ट डू दैट। टाइम पे रखते हैं एंड एंड ऑफ टाइम, ऐसे हम यहाँ जाके देख सकते हैं ये ऐसे आ रहा है,
और ये हो गए एनिमेट, इनको बाद में एडजस्ट करते रहेंगे, ऑफ कर देते हैं, आई मीन हाइड कर दिया हमने लेयर्स को, और अब इन पे काम कर लेते हैं। तो जीरो फ्रेम इनको स्केल करना खुश हो, और 34% ये एक्चुअल है इनकी हाइट। और आई वी सेट 30 फ्रेम, हमने की डेवलप की और फर्स्ट की पे आके हमने इनको जीरो कर दिया फॉर द हाइट। ये ऐसे आ रहा है, और ऑब्वियस इनको भी करेंगे स्पीड, बट समहाउ आई एम जस्ट डूइंग रोटेशन विद देम। रोटेशन एक्टिवेट की और हमने कहा 20 फ्रेम में ये माइनर से रोटेट होता है लाइक ऐसे। और हमने इन सबको लिया, F9 मीन्स इजी ईज, स्पीड ग्रैब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। इफ यू वांट टू सी हिम वी कैन डू लाइक दिस वे। वेल हमने सबको लिया, और जैसा चाहिए आपको, ये आपकी मर्जी है, आप ऐसे एडजस्ट कर लो दोनों की फ्रेम्स को, जीरो प्रेस करके देख लो। समहाउ आई एम नॉट लाइक एन कंट्रोल जी, और मैं पहले सिर्फ स्केलिंग को प्ले करना चाह रहा हूँ, फिर मैं रोटेशन को देख लूँगा। तो हम सिर्फ स्केल की को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि सिर्फ स्केल दिखे, और हमने ऐसा कर लिया इनको थोड़ा सा स्पीडी लाइक ऐसे। अब फिर हम गए रोटेशन में स्पीड ग्राफ टू गेट द सेम एसेंस दिस वे। अभी हमें कुछ भी नहीं खास करना है, लेट्स ज़ूम इन ऐसे, और हमें अपनी रोटेशन को एडजस्ट करना है फॉर श्योर, और बाय साइड को एडजस्ट करना है। तो हमने रोटेशन को लिया, ये ऐसे आ रहा है। ऑलराइट, जहाँ आ रहे हैं उसके बाद हमें ये रोटेशन वाली फॉर्म को सेट करना है। आप जैसे रखना चाहो, आप जैसे करना चाहो, हमने ऐसे रख लिया। और हमें अपने मास को, मास की शॉर्टकट की M है, मास पे क्लिक कर दो ताकि आप सिर्फ रिस्पेक्टिव मास को सिलेक्ट कर सको लाइक दिस वे। हाँ, एक प्रॉब्लम ये आ सकती है, अगर हमने रोटेशन को इस लेवल से कम रखा हुआ तो हमें यहाँ दिखेगा नहीं, दिख रहा मीन्स ये इस लेवल से बाहर है। आई मीन क्या लेवल, यानी कि वो लेवल ऐसे क्रॉस यहाँ आ रहा है तो वो उससे दूर है, अगर ये करीब होता तो वो हमें दिखता। तो ये चीज़ें हमें नोट करनी होंगी जस्ट। सो एडजस्टमेंट करेंगे टाइम की, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, ही इज कमिंग जस्ट बिफोर द टाइम। लेट हिम गो, बाय साइड को लेते हैं, अब बाय साइड को भी एडजस्ट करते हैं जितना हमें देखना है, टाइम पूरा होना चाहिए लाइक दिस। और ऑब्वियस हमें स्लाइड को भी देखना है इन दिस वे, हमने इनको ऐसे रखा, एम प्रेस करके इनका मास्क लिया, और इस मास्क को हमने ऐसे एडजस्ट कर लिया ताकि ऐसा लगे इस लाइन में से आ रहा है। और फिर डेफिनेटली ये दोनों को ट्रांसलेट करेंगे इस टाइम पे, ताकि जब वो आगे रुके तो ये निकले। और देख रहे हो थोड़ा सा ओके, तो हम रोटेशन को रेस्पेक्टिव थोड़ा सा इंटेंशनली डिस्प्लेस कर रहे हैं, और बाय साइड को भी थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं ताकि वो एकदम से ऐसा ना लगे कि वो एक दूसरे पे से आ रहे हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड। एंड डेफिनेटली वी नीड अ लाइन टू बी ऑन द टॉप ऐसे, लेट्स बैलेंस ऐसा फील आए। और अब जीरो प्रेस करें अगर हम, तो ये ऐसे, ये सब था हमारे पास लास्ट सेशन, जो हमने थोड़ा सा ड्रैग करके समझ के स्लोली ग्रेजुअली समझा। और फिर फाइनली लेट्स रैप अप, हमने कहा ये 100 फ्रेम तक रहे, और यहाँ पे एंड ऑफ टाइम किया, राइट क्लिक करके हमने ट्रिम वॉक एरिया किया ताकि वो ट्रिम हो जाए। ओ वी डन डन है, ट्रिम कम टू वॉक एरिया, ट्रिम हो गए। एक बार चेक कर लेते हैं, ये गलत ट्रिम हो गए कुछ शायद। ऑलराइट, हमें यहाँ से ट्रिम करने हैं, तो ट्रिम कम टू वॉक एरिया। ऑलराइट, इज डूइंग दिस नाइस,
ये कॉम जो प्री कॉम खुली हुई है इनकी ज़रूरत खास है नहीं, क्लोज कर देते हैं। और हमने एक और न्यू कॉम्पोजिशन डेवलप कर ली जिन्हें हमने कहा फाइनल अंडरस्कोर NM 240 फ्रेम्स, फाइन नो प्रॉब्लम। और कॉम्प वन है जो मेन कॉम्प है, इनको लेके आए, ऐसे एनिमेट हो रही है, फाइन। कंट्रोल डी, कॉम्प की डुप्लीकेट कर ली, लेयर हो लेयर डुप्लीकेट हो जाए, लाइट हो लाइट डुप्लीकेट हो जाए, कुछ भी होगा जिसको कंट्रोल डी करोगे वो डुप्लीकेट होगा। और आपने नीचे बॉटम वाले को राइट क्लिक किया, टाइम को रिवर्स कर लिया टाइम में जाके, क्योंकि वो टाइम उल्टा हो जाएगा। और फिर एडजस्ट कर लिया एज टू एज, या थोड़ा सा ब्लैंड करा लो, और जहाँ तक चाहिए एंड प्रेस करो, मीन्स एंड ऑफ टाइम। अब ज़ीरो प्रेस करके देखते हैं तो हमारे पास ऐसे ही हो रहा है, अब खत्म होगा, मेक सेंस। लेकिन ये एकदम से लूप चला है यहाँ पर, देख रहे हो, थोड़ा सा टाइम होना चाहिए ताकि एक डिले आए, ब्लैंक, ताकि ब्लैक हो जाए। फिर से देख लेते हैं एक बार, अब थोड़ा डिले आ गया, सेंसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। और राइट, आगे बढ़े। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दे ताकि ये लेंथ